पेशे और व्यवसाय के बारे में जानेंगे। पेशा व्यवसाय लोगों को अपने जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अपने जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई पेशा या व्यवसाय कर रहा होता है। अपने इंटरेस्ट और रुचि के अनुसार व्यक्ति कोई भी पेशा व्यवसाय चुन सकता है और उस पैसे के नाम पे ही, उसके व्यवसाय के नाम से ही लोगों को जाना जाता है, राइट? ये सब हम सभी जानते हैं। हम यहाँ पे कुछ ऐसे पेशे के बारे में भी रीड करेंगे जो कि अब लुप्त होने के कगार में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी हिस्ट्री बुक रीड करते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो उनकी मीनिंग और उनका मतलब हमें पता होना जरूरी होता है। इसलिए यह जो वीडियो है एक वोकैबुलरी बूस्ट करने का सबसे बेहतर है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप थोड़ा भी कुछ सीखे हैं तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टर मतलब अभिनेता जो अपने एक्टिंग के माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। आर्टिस्ट के अंतर्गत ही चित्रकार आता है, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट होते हैं जो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष। ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिसके माध्यम से भविष्य के बारे में जाना जाता है। हमारे साधु संत जो कि ज्योतिष विद्या के माध्यम से आने वाले अनुकूल प्रतिकूल के बारे में हमें बतलाते थे। आप इसे भविष्यवाणी समझ सकते हैं। नीलामी करने वाला को हम ऑक्सनियर कहते हैं। ऑक्सनियर मतलब नीलामी करने वाले। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं जो ये पर्सन है जो ऑक्सनियर है, जो कि बोली लगाता है, और इसमें अलग अलग व्यक्ति जो हैं जो अपने रेट इस रेट में देने के लिए तैयार होती हैं। वो बोली किसी भी हाउस का हो सकता है या फिर कोई पेंटिंग का हो सकता है। डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसमें बोली लगती है। एडवोकेट मतलब वकील। आप अदालत के सामने, हाईकोर्ट के सामने बहुत सारे वकील देखते हैं जो कि लोगों का केस लड़ता है और लोगों की न्याय दिलाता है। डेंटिस्ट के पर्टिकुलर डॉक्टर है जो कि दांत के इलाज या दांत संबंधित इलाज करने का काम करते हैं, तब हम उसे डेंटिस्ट या दांतों का डॉक्टर कहते हैं। अकाउंटेंट को हम लेखाकार कहते हैं और ऑडिटर को लेखा परीक्षक कहते हैं। हम इन दोनों में अंतर होता है वह समझेंगे। अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार, जो कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को निगरानी करता है। दिन प्रतिदिन एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है वित्तीय लेनदेन से संबंधित। वही वित्तीय लेनदेन संबंधित जो दस्तावेज तैयार करता है अकाउंटेंट मतलब लेखाकार, उसी को फाइनल रिव्यू के रूप में ऑडिटर एक बार एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन करता है। ऑडिटर लेखाकार दस्तावेज, वित्तीय संबंधित दस्तावेज बनाता है दिन प्रतिदिन, और उसका एनालिसिस का काम कौन करता है? लेखा परीक्षक मतलब कि ऑडिटर। इन दोनों में यही अंतर होता है। आप शिल्पकार देख रहे होंगे जिसे आर्टिजन कहा जाता है। आर्टिजन आर्टिजन मतलब कि शिल्पकार, जो कि अपनी नक्काशी कितनी बेहतर तरीके से बनाई हुई है आप देख रहे हैं। अपने हैंड का यूज करके और कुछ टूलों का उपयोग करके वह एक सुंदर मूर्ति डिजाइन की हुई है, इसे शिल्पकार कहते हैं। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। लोहार आप हिस्ट्री में बहुत बार लोहार के बारे में पढ़े होंगे, और ज़्यादातर ये गांव में ही देखने को मिलते हैं, जो कि लोहे से औजार बनाते हैं। इन औजारों का इस्तेमाल एग्रीकल्चर क्षेत्र में ज़्यादातर यूज होता है। बेकरी। बेकरी यह भी एक प्रोफेशन है जिसमें व्यक्ति बिस्किट बनाता है और डबल रोटी बनाने का काम करता है और बेचने का काम करता है। बोटमैन नाविक जो नाव चलाता है, आपको ज़्यादातर साउथ इंडियन में देखने को मिलता है। बटलर खानसामा जिसका हिंदी मतलब होता है। बटलर नौकरों में से एक खास होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को। वेटर जब भी आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो फिर आपको वेटर ऑर्डर लेता है, जिसे हम वेटर कहते हैं। बैगर मतलब भिखारी। यह भी एक व्यवसाय है जो भीख मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बुचर कसाई जो कि मीट बेचता है, जिसका ये पेशा है। मांस बेचना काटना इनका काम है, जिसे हम बुचर कसाई कहते हैं।
बार बार मतलब नाई जो कि बाल काटने का काम करता है उसे हम बार्बर कहते हैं। ऑथर मतलब लेखक जो बुक लिखता है और पब्लिश करता है, राइट। कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर मतलब हलवाई वाला जो कि मिठाई बनाता है और बेचता है, इसका ये प्रोफेशन है जिसे हम कन्फेक्शनर मतलब हलवाई वाला कहते हैं। केमिस्ट मतलब दवा बेचने वाला, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं इस यह दवा बेचने वाला व्यक्ति, इसका यह पेशा है जिसे हम केमिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। कॉन्ट्रैक्टर जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनको ठेकेदार कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। कुक या सेफ, आप CHEF को सेफ पढ़िएगा और कुक इन दोनों का मतलब रसोईया होता है जो खाना बनाने का काम करते हैं, ये उनका पेशा है। कॉन्स्टेबल अभी सब जानते हैं, सिपाही को कहते हैं। सॉफर, ये पर्टिकुलर कार चालक को ही हम सॉफर कहते हैं। कंडक्टर जो कि यह है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है और टिकट काटने का भी काम करता है। ये कोचमैन, एक स्पोर्ट में भी आप पढ़ते हैं ये एक नाउन है, परंतु ये गाड़ी वान से रिलेटेड है जो इमेज में देख पा रहे हैं, जो हिस्ट्री में आपको ज़्यादातर ये इमेज देखने को मिलती है, इसे भी हम कोचमैन गाड़ी वान कहते हैं। कंपाउंडर, दवा बनाने वाला को हम कंपाउंडर कहते हैं और हम दवा बनाने वाले के लिए एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, वह है ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट मतलब होता है दवा बनाने वाला, कंपाउंडर और दवा बनाने वाला, और ड्रगिस्ट मतलब कि यह भी दवा बनाने के लिए ही यूज करते हैं।